राम राम सा दोस्तों, दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए और G20 का कार्यक्रम 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में संपन्न हुआ और इसके लिए दिल्ली को एक अभेद किले के रूप में बदला गया था। इसके आसपास किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट के उड़ान पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई थी और साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल और ऑफिस को बंद कर दिया गया था, जैसे लॉकडाउन की भांति। पर कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि आखिर ये G20 है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसमें कितने देश सम्मिलित हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसके अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गए। क्या है G20 और क्या है इसके उद्देश्य? मित्रों, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, ये 20 देशों का एक समूह है जो साल में एक बार किसी सभा या सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोधी और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। G20 एक 20 सदस्यों का संगठन है जिसमें 19 सदस्य देश और एक यूरोपियन संघ सम्मिलित हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। और एक यूरोपियन संघ सम्मिलित हैं जो 27 देशों का एक ग्रुप है। और जब भी G20 का शिखर सम्मेलन होता है तो इन सभाओं में इन सदस्य देशों के साथ साथ कुछ अतिथि देशों को भी आमंत्रित किया जाता है, जिसमें स्पेन एक स्थायी अतिथि है जो हर वर्ष आमंत्रित किया जाता है। ये संगठन दुनिया की 80% GDP और 75% से अधिक विश्व व्यापार और दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया और उसी समय कुछ देश जैसे भारत, चीन, ब्राजील, ये सब आर्थिक रूप से उभर रहे थे। विश्व में G8 और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी आर्थिक अस्थिरता को रोक पाने में असफल सिद्ध हो रहे थे। साल 1997 में पूर्वी एशिया के कुछ देशों में आर्थिक संकट ने बढ़ती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खराब कर दिया था और इसका असर लैटिन अमेरिका तक फैल गया था। इन्हीं संकटों को ध्यान में रखते हुए 26 सितंबर 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। शुरू में G20 का फोकस मात्र व्यापक आर्थिक मुद्दों पर था, परंतु समय के साथ साथ इसके एजेंडे में व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध सम्मिलित किया गया। 2007 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आई तो इस समूह का महत्व और बढ़ गया। जहाँ पहले इस समूह में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही सम्मिलित थे, वहीं बाद में इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी सम्मिलित किया गया और इस प्रकार इन देशों का 2008 में वाशिंगटन में पहला शिखर सम्मेलन हुआ। अब दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इतने कम समय में इतने सारे मुद्दों पर चर्चा कैसे हो सकती है, क्योंकि G20 की समिट तो मात्र 1-2 दिन ही चलती है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो G20 की मुख्य बैठक होती है मात्र वही 1-2 दिन चलती हैं। बाकी कुल 10 महीनों में भारत के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें हुई हैं, जैसे मिनिस्टर लेवल समिट जिनमें इन 20 देशों के वित्त मंत्री मीटिंग करते हैं, और भी है जैसे स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री आदि। और G20 में कई समूह भी बने हुए हैं जैसे W20,
यानी महिलाओं की स्थिति और दशा में सुधार पर चर्चा के लिए, C20 यानी सिविल सोसाइटी की मीटिंग के लिए, B20 यानी बिजनेस की मीटिंग के लिए, Y20 यानी यूथ 20 युवाओं को रचनात्मक नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए, T20 यानी थिंक टैंक जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, विदेश नीति, तकनीकी व संस्कृति जैसे विषयों पर अनुसंधान और रणनीति तैयार करते हैं और अलग अलग मुद्दों पर इन देशों में आपसी सहमति बनाने का प्रयास करते हैं। इन सब के अलावा एक और होती है शेरपा मीटिंग। हर देश के राष्ट्राध्यक्ष अपनी ओर से एक शेरपा नियुक्त करते हैं जो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक प्रश्न ये भी है कि G20 का अध्यक्ष कौन और कैसे नियुक्त होता है। G20 की मेजबानी हर वर्ष ट्रोइका सिस्टम के आधार पर बदलती रहती है, जैसे पिछला अध्यक्ष देश, वर्तमान अध्यक्ष देश और अगला अध्यक्ष देश। इसी समूह को ट्रोइका कहा जाता है। जैसे इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील, ये तीनों देश सम्मिलित थे। भारत से पहले 17 G20 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और भारत का नंबर 18वां था। भारत ने G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम निर्धारित की थी, यानी एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।